You are a lion. हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा। तो कैसे आप सब, होप आप सब अच्छे हो गए। आज भाई ये कुछ ब्लॉग नहीं है, बस आपको कुछ बताने आया हूँ मैं। आज मैंने सुबह सुबह एक वीडियो देखी जो कि आप भी अब देख रहे हो स्क्रीन पे। ये यार बहुत ही ट्रेंड में जा रही है, बहुत ही वायरल हो रखी है वीडियो। आप रील्स में देख लो, यूट्यूब में देख लो, आप इसको न्यूज़ में देख लो, हर जगह आ रही है कि एक पैसेंजर ने पायलट के ऊपर हाथ उठा दिया कि पता नहीं ये क्या हो गया, क्या नहीं हो गया। बस ये हाथ नहीं उठाना चाहिए था, ये गलत बात है, मैं भी मानता हूँ बहुत गलत है ये। किसी के ऊपर भी ना यार हाथ नहीं उठाना चाहिए। आप बोल के बात कर सकते हो, आप गुस्सा कर सकते हो, बोल सकते हो, लेकिन हाथ नहीं उठाना चाहिए था। अब ये देखो, अगर आप गाड़ी भी चलाते हो ना, अगर धुंध हो, कोहरा पड़ रहा हो, तो गाड़ी भी बहुत डिले हो जाती है, धीरे धीरे चलती है गाड़ी, पहले दूसरे गियर के ऊपर नहीं चलती। यार हमसे ज़्यादा कौन जान सकता है। अगर मैं वृंदावन जाता हूँ ना, कई बार इस बार कोहरा पड़ा हुआ था, तो आते हुए आपको पता कितनी सुबह हो गई। वरना 5-6 घंटे का रास्ता है जहाँ पे हम रात को चले और सुबह 9 बजे पहुँचे, क्योंकि सारे रास्ते में हमें कोहरा मिले। तो इसलिए यार थोड़ा समझा करो, दूसरे की मजबूरी भी समझा करो। पता नहीं उस भाई ने हाथ क्यों उठाया, उसकी भी कोई मजबूरी रही होगी, या मुझे नहीं पता। ऐसी मजबूरी तो नहीं हो सकती किसी के ऊपर हाथ उठाना पड़े। कोई घर पे कोई ऐसी प्रॉब्लम हो या कुछ हो, उसको जल्दी से जल्दी जाना हो, वो फ्रस्ट्रेशन लेवल ऐसा हो, उसको भी ना पता लगा हो, बस हाथ उठ के आ गया बस भाग के। वो मैंने देखा मारने की कोशिश नहीं कर रहा था, तो बोल रहा था कि भाई जल्दी जल्दी बस निकाल यहाँ से। चलो जो भी है यार, हो गया, सो हो गया। बस हाथ कभी भी नहीं उठाना चाहिए किसी के ऊपर भी। कोशिश करना आगे से कभी किसी के साथ भी ऐसा ना हो। हमारे घर में भी 1-2 दिन से कुछ ऐसा सीन चल रहा है, मैं आपको क्या बताऊँ। मैंने कहा आपको बता देना चाहिए। मेरी सिस्टर को आप जानते हो, मेरे मामा जी की छोटी बेटी रूही जो मोस्टली व्लॉग में आती है, वो खुद ही आती है व्लॉग में, सारा का सारा कंप्लीट कर जाती है व्लॉग में। रूही भी आ गई है साथ में हमारे। हेलो गाइस, ये भी आ गई हमारे साथ। तो बस आइसक्रीम ले लेगी, वीडियोस धमाल। तो अब चलते हैं दूसरे घर में, है ना। आइसक्रीम खा ली ना बेटा अपने? एक ने मंदिर में तोड़ दिया आइसक्रीम खा के, बेकार मरे। अंधकार मरे, अभी से अब राम आया, मेरे को खींचे हम लोग। अगले घर में मिलते हैं, अगले घर में हम मिट्टी के साथ वीडियो बनाएंगे। चलो ठीक है, अगले घर में चलते, चलो बाय। तो यार आजकल उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब चल रही है, बहुत ही ज़्यादा कंडीशन उसकी ख़राब चल रही है। उसको जॉन्डिस हो गया है, जिसको आप पीलिया वगैरह बोल, पीलिया होता है, जॉन्डिस हो गया। तो 1-2 दिन पहले ही हो गया था, बहुत कम था, कुछ परसेंटेज था। पता नहीं क्या डॉक्टर की लापरवाही हुई या क्या हुआ, अब वो ना उसका जॉन्डिस कहते हैं दिमाग में चढ़ गया। अब वो उसने, बहुत छोटी है वो, उसने पहचानना बंद कर दिया यार हमें। वो पहचान नहीं पा रही है हमें, अभी बात ही नहीं कर पा रही है। बस एकदम से उसको हुआ फीवर, ड्रिप्स वगैरह लगे हैं उसके, तो तब तक भी ठीक था, लेकिन पता नहीं एकदम से क्या हुआ सडन, पता नहीं यार, बस भगवान जानता है क्या हुआ है। अब बड़े हॉस्पिटल में है, अच्छे हॉस्पिटल में है, तो यार वहाँ पे अभी कंडीशन ऐसी खतरनाक कंडीशन है। और वो बोलते हैं ये जो हुआ है उसको जॉन्डिस, दिमाग में ना 1000 के पीछे एक इंसान के सर पर चढ़ता है, वरना इतनी इजी चढ़ता नहीं है, ये किसी की लापरवाही की वजह से होता है। देखो हम तो ऐसी लापरवाही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि और माँ बाप के लिए बच्चे सबसे पहले हैं, तो माँ बाप ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे डॉक्टर ने बोला वैसे ही प्रिकॉशन ली गई है। लेकिन फिर भी यार पता नहीं अब क्या हुआ है। सुबह से घर में किसी ने कुछ नहीं खाया, बस रोने का माहौल है और कुछ नहीं है, सिर्फ रोने का माहौल। आज मेरा भी व्लॉग बनाने का बिल्कुल दिल नहीं था, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि जो भी होगा घर में मैं आपको बताऊँगा। तो यार जैसे कंडीशन ऐसी चल रही है 2-3 दिन से, आज कुछ ज़्यादा हो गई है, क्योंकि कल रात से उसने पहचानना बंद कर दिया था हमें कि कौन है कौन नहीं है। अपने स्कूल का नाम नहीं उसे पता, अपना नाम नहीं पता। 8 घंटों से नॉर्मल सीधा लेटी हुई है, उसको कुछ नहीं पता। उसके जो पाइप वगैरह होते हैं वेंटिलेटर की, वो लगी हुई है मुंह पे, नाक पे। बस यार प्रे करो जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, प्लीज़ प्रे करो जल्दी जल्दी ठीक हो जाए यार। मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है। हुआ क्या कि कोई बात नहीं, बस प्रे करो आप कि जल्दी जल्दी ठीक हो जाए वो। मेरा व्लॉग बनाने की इच्छा नहीं थी आज की मैं व्लॉग बनाऊं, लेकिन जैसे यार फोन करता हूँ बार बार, 5-5, 10-10 मिनट बाद फोन करता हूँ, वो डॉक्टर से आगे चले गए हैं। डॉक्टर कह रहे हैं अभी 3 दिन लगेंगे उसको और ज्यादा होश में आने के लिए,
फिर हमने और पता करवाया, आगे आगे बड़े बड़े डॉक्टर से पता करवाया, उन्होंने बताया कि ये इजीली इस स्टेज तक बच्चा नहीं पहुंच सकता है। वो बेचारी बहुत छोटी है, 7-8 साल की है सारी, तो इतनी जल्दी नहीं पहुंच सकता है। अगर वो पहुंचा है तो कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा उसमें, कहीं तो लापरवाही हुई है यार, मुझे नहीं पता। आपसे इतना ही बोलूँगा, रिक्वेस्ट है सारे प्रे करना मेरे सिस्टर के लिए कि वो ठीक हो जाए जल्दी। अच्छा कुछ नहीं बोलूँगा सब्सक्राइब के लिए, बस इसीलिए आया था मैं आपको बताने के लिए। यार नहीं, मुझसे और बात भी नहीं हो रही है। हरे कृष्णा।